नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सीमा तोशनीवाल अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन की सेव, और ये सेव हम बिना सोडे के बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे, और ये झटपट बनकर तैयार होगी। मार्केट की सेव में सस्ता बनाने के हिसाब से कई बार लो क्वालिटी का ऑयल यूज़ किया जाता है और वो जल्दी से ख़राब हो जाता है और वो ज़्यादा दिनों तक फ्रेश नहीं रहती है। घर पर हम ताज़ा शुद्ध तेल में बिना सोडा डाले बनाएंगे और इसे एयरटाइट डिब्बे में भर दें तो ये एक महीने तक ख़राब नहीं होगी। वैसे तो ये इतना स्वादिष्ट और खस्ता बनेगी कि इसे एक महीने तक बचाकर रखेगा भी कौन। मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए अब देखते हैं सेव बनाने के लिए हमें क्या क्या लेना होगा। 250 ग्राम फाइन बेसन लिया है, मोटा बेसन नहीं लेंगे हम, बिल्कुल फाइन बेसन लेंगे। और ये मेजरमेंट के हिसाब से 2.5 कप है और वजन के हिसाब से 250 ग्राम है। नमक हम लेंगे 2 टीस्पून और वजन में 10 ग्राम। इसे सफ़ेद मिर्च बोलते हैं, जिसे नमकीन बनाने के यूज़ में लिया जाता है। सभी नमकीन बनाने वाले इसे यूज़ करते हैं, इसे नमकीन का कलर डार्क नहीं आता है। यह मिर्ची कलर बिल्कुल नहीं देती है, तो सेव का कलर इसे ज़्यादा रेड नहीं होता है। ये बिल्कुल फाइन पाउडर के फॉर्म में मार्केट में मिल जाती है। अगर मार्केट में नहीं मिले तो जो सेव बनाने वाली शॉप्स हैं उन पे आसानी से मिल जाएगी। तो ये वाली मिर्ची हम लेंगे 3 से 4 टीस्पून। अगर तीखा बनाना है तो 4 टीस्पून ले लें, और तीखा कम बनाना है तो 3 टीस्पून ले लें। ये हमने 2 टीस्पून अजवाइन लिया है, जिसे क्रश करके छलनी से छान लिया है। छलनी से छानने की वजह से इसके जो मोटे दाने थे वो अलग हो गए हैं। कि जब हम पतली सेव बनाते हैं तो मशीन का छेद बिल्कुल पतला होता है, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है। अगर अजवाइन का मोटा दाना सेव की जाली में फंस जाता है तो उससे बेसन बाहर नहीं निकलता है, इसलिए हम इसे एक बार छलनी से छान लेंगे ताकि इसका मोटा दाना बाहर निकल जाए। और ये हमने ऑयल लिया है 80 ग्राम, जो मिलीलीटर में 85 मिलीलीटर होता है, और कप के हिसाब से 1/3 कप है। सेव का डो बनाने के लिए नॉर्मल पानी लेंगे, और ये पानी मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर है और कप के मेजरमेंट से 1/2 कप है। हमने बेसन बड़े मिक्सिंग बाउल में लिया है और अब हम इसमें अजवाइन डाल देंगे, नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे। एक बार सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल को भी बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारा बेसन एक जैसा हो जाना चाहिए, और अब आप देखिए इस तरह से हम मुट्ठी बनाते हैं तो ये पूरी मुट्ठी बन जाती है। इस तरह से हमें अच्छा मोइन डालना होगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पहली बार में थोड़ा पानी ही डालेंगे, थोड़ा पानी बचा लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम और पानी डालेंगे। अभी हम सारा पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स, अभी डो बिल्कुल सूखा सूखा है थोड़ा, अभी इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून पानी और डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे।
जो हमारे हाथों में चिपक गया है उसे हम एक बार स्टील के स्पेचुला से साफ कर लेंगे ताकि ये सब एक साथ मिक्स हो सके। इसे हम ये थोड़ा टाइट चलता है लेकिन हम इसमें थोड़ा सा जोड़ लगाएंगे और इसे इस तरह से स्पाइरल घुमाते जाएंगे और बाउल के अंदर ही इसे अच्छा फेंटते जाएंगे। ये डो इस तरह से बनना चाहिए। अब हम हाथ पे लगे हुए डो को फिर से इकट्ठा करेंगे। बाउल की सारी किनारे भी साफ कर लेंगे और ये डो तैयार है। अब हम इस डो को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, सेव बनाने के लिए हम ये वाला सांचा यूज़ करेंगे, बारीक छेद वाला, और ये मशीन यूज़ करेंगे। हम इस मशीन को अंदर से ग्रीस कर देंगे दोनों साइड से, जिससे इसके ऊपर बेसन चिपकेगा नहीं। और इस तरह से मशीन के जो खास खास पार्ट्स है, जहाँ जहाँ बेसन चिपकता है वहाँ वहाँ हम ग्रीस कर देंगे। और अब ये जाली को भी ग्रीस कर देंगे। अब हम इसे एक साइड से बंद कर देंगे, बिल्कुल अच्छा टाइट करेंगे। अब इसमें हम बेसन भरेंगे। एक कढ़ाई में हम ऑयल को गर्म होने के लिए रखेंगे। अभी हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक हम इसे मैश करेंगे। अब हम एक अच्छा सॉलिड सा चम्मच लेंगे, इसे चम्मच से एक बार अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, डो किस तरह का होना चाहिए, इस तरह से टाइट भी हो और थोड़ा घूम भी जाए। अगर हमने डो बहुत ज़्यादा गीला कर दिया तो जब हम सेव डालेंगे तो सेव के तार आपस में चिपकेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। हम इसमें चम्मच घुमा के थोड़ा सा इसे मैश कर लेंगे। ऐसा करने से नमकीन सॉफ्ट बनेगी। बस एक बार अच्छा मैश कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम इस डो को मशीन में चम्मच से भरेंगे। जिससे हमारे हाथ खराब नहीं होंगे, हम चम्मच को अंदर चला के इसकी सारी एयर हटाएंगे, बेसन को अंदर तक पहुंचाएंगे। अब हम थोड़ा सा तेल का हाथ लेंगे और इसे इस तरह से अंदर सेट करेंगे। ये अब हम इससे टाइट कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब हम सेव अंदर डालेंगे तब इस तरह से इस पर प्रेशर बना हुआ रहेगा और ये अपने आप निकलेगा। तो हम इसको जब हम कढ़ाई में सेव डाल चुके होंगे तब हम इसे फिर से थोड़ा सा उल्टा घुमाएंगे, जिससे इसका प्रेशर कम हो जाएगा और ये बाहर निकलना बंद हो जाएगा। और जो निकला हुआ है उसे हम हटा लेंगे, इसे हम तुरंत हटाएंगे और ये छेद को साफ कर लेंगे। अगर ये सूख गया तो फिर सारे छेद बंद हो जाएंगे। एक बार ऑयल अच्छा गर्म कर लिया है, जब हम इसमें सेव डालेंगे तब हम गैस बिल्कुल कम करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसमें सेव डालेंगे ये उफन के आएगा और इसमें से बहुत तेज़ हीट निकलेगी जो हमारे हाथों को लगेगी। इसलिए हम एक बार तेज़ गर्म करेंगे, फिर आंच बिल्कुल कम करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें नमकीन डालेंगे। इस तरीके से नीचे भी हम कंटिन्यू गोल गोल घुमाते रहेंगे। फिर से थोड़ा उल्टा घुमाएंगे, इसे हटा लेंगे, आंच थोड़ी सी बढ़ा देंगे, बहुत तेज आंच नहीं रखेंगे, मीडियम आंच रखेंगे। जारा लेके इसे हल्का हल्का दबाएंगे, जिससे सारी नमकीन ऑयल में डूबेगी। बस अब इसे ज़्यादा नहीं करना है, इसे हम एक बार फिर से पलट देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी सिकाई हो जाए। बस इसकी झाग बनना कम हो गए और अब हम इस सेव को निकाल लेंगे।
ऐसे ये हल्की गीली गीली लगेगी, लेकिन ये गीली नहीं रहेगी, ठंडी होने के बाद में खस्ता हो जाएगी। अभी हम इसे बाहर निकाल देंगे, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका जला हुआ टेस्ट आएगा। अगर हम इसे ज़्यादा सेक लेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका अगर हम इसे ज़्यादा देर तक ऑयल में रखेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी जला हुआ आएगा। तब हम इसे एक थाली में ऐसे रख लेंगे जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा थाली में आ जाएगा। फिर से ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है। बचे हुए बेसन की भी इसी तरीके से सारी नमकीन बना लेंगे। ये सिकती है तब तक हम इसे हम एक चौड़े बर्तन में ले लेंगे। और इस तरीके से हम सारी नमकीन निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से नमकीन बनकर तैयार है। वो नमकीन देखिए फ्रेंड्स, इतनी खस्ता नमकीन बनी है और बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही सॉफ्ट नमकीन बनी है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने सेव में हींग का फ्लेवर नहीं दिया है, अब हम इसमें हींग का फ्लेवर देंगे। फ्रेंड्स, जब हमने सेव बनाने के लिए इसका डो तैयार किया था, उस वक्त अगर हम डो में हींग मिला देते तो तलने के बाद इसकी सारी खुशबू निकल जाती, इसलिए हम डो में नहीं डालकर ऊपर से हींग लगाएंगे। ये मैंने 1/4 टीस्पून की आधी हींग ली है। और 1/4 टीस्पून नमक लिया है। फ्रेंड्स, हम नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो सेव तीखी हो सकती है। फ्रेंड्स, नमक और हींग को एक साथ पीसने से नमक का जो बड़ा दाना है वो भी बारीक हो जाएगा, तो वो सेव में आसानी से लगा तो उसे हम सेव में आसानी से लगा लेंगे। और हींग भी नमक के साथ अच्छी तरह से पीस के आसानी से सब तरफ फैल जाएगी। अगर हम अकेली हींग को डालते हैं तो वो कुछ जगह पे ही, तो वो बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे लगेगी, बाकी जगह बिना हींग के रह जाएगी। फ्रेंड्स, ये अब हमने हींग और नमक को अच्छा बिल्कुल फ्रेंड्स ये मैंने हींग और नमक को पीसकर बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। नमक डालने की, अगर हम केवल हींग को पीसकर डालते हैं तो वो कुछ जगह पे ही हींग लगती है, कुछ जगह ऐसे ही रह जाती है। नमक के साथ पीसने से इसकी क्वांटिटी बढ़ गई और ये पूरी नमकीन पर आसानी से फैलाई जा सकेगी। अब हम इस पाउडर को इस नमकीन पे लगाएंगे। बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें नमकीन डालेंगे। ये स्टेप हम 2 बार करके करेंगे और इसमें से आधी हींग और आधा नमक हम डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और इसे हल्का हल्का उछालेंगे जिससे ये हींग और नमक पूरी सेव में अच्छी तरह से फैल जाएगा। अब हम इस सेव को एयरटाइट डिब्बे में डाल देंगे। और अब फ्रेंड्स, ये जो आधी सेव बची है इसको भी हम इसी तरह से नमक और हींग लगाएंगे। घर का शुद्ध ऑयल यूज़ किया हुआ है और ये कई दिनों तक ताज़ा रहेगी। फ्रेंड्स, इस सेव का टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा है, लेकिन शुद्धता घर की है। तो आप भी इस आसान रेसिपी से सेव अपने घर पर बनाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।